21 अक्टूबर रात 12 बजे। हेलो एवरीवन, सब सो रहे हैं। चलो अनीशा के दिए हुए गिफ्ट ओपन करते हैं। सो गाइस, मैं खोलने वाली हूँ अनीशा के दिए हुए गिफ्ट एंड देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या है, मुझे देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही है कि बस जल्दी जल्दी खोल लूँ मैं गिफ्ट। और मैंने ये गिफ्ट निकाल लिए हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ लिखा हुआ भी है इसके ऊपर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1, तो इसको पहले खोलना है। और इसके बाद लिखा हुआ है 2, इसके बाद इसको खोलना है। और ये 3। तो चले गाइस, सबसे पहले वाले को खोलते हैं एंड इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही है इसमें क्या हो सकता है। छोटा सा है लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। और इसमें से जो निकला ना, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मुझे नहीं पता था कि ये अनीशा मेरे साथ एक प्रैंक कर रही है, इसलिए उसने ऐसे गिफ्ट्स भेजे हैं। तो आगे जाके मुझे भी पता चला और आप लोगों को भी पता चलेगा, इसलिए पूरा व्लॉग देखना। और अब मैं दूसरा गिफ्ट खोलने जा रही हूँ। इसको तो देखकर ही पता चल गया कि ये क्या है। इसके अंदर बॉडी स्प्रे था और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब हमारा लास्ट गिफ्ट, अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो मैं इसको खोलने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे हल्का हल्का पर्पल कलर दिखा एंड गाइस, इसमें इतना क्यूट सा क्लिप था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। रुको जरा, सब्र करो, ये तो प्रैंक था बट अब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं संध्या की दोस्त हूँ और उसकी बर्थडे है 22 अक्टूबर को और आज 5 अक्टूबर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए आज मैं उसके लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। और मैंने सोचा उसके लिए एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, देखते हैं वो डालती है नहीं डालती, अगर उसको सही लगेगा तो डाल देगी और ना इट्स ओके। लेकिन मैं आज जो भी लेऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और हमारी लाइट बनबुज हो रही है, सो इग्नोर करना। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मॉल और सन्ना को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं उसके लिए एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ उसका क्या रिएक्शन होगा मेरे व्लॉग पर। खैर यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने वो भी ले ली। यहाँ से भी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने वो भी ले ली। मैंने क्या लिया वो तो आप लोगों को सन्ना ही दिखाएगी, लेकिन जो लिया है ना वो बहुत क्यूट है। खैर मैं बच्चों की शॉप पे आ गई थी क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं, सीरियसली। सो फाइनली आज है 14 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को उसकी बर्थडे और उसके बर्थडे में 8 दिन बचे हैं। तो मैं अपनी बहन के साथ चल गई थी कुछ चीज़ें लेने, जो कि ये हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैंने नहीं दिखाई। और फिर जब मैं घर पर आई तो मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। आजकल मेरा दिमाग ना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो फिर मैंने अपने लिप पर लिपस्टिक लगाई और फिर उसके बाद मैंने कुछ इस तरह की हरकत करी। और ये मैं कहाँ लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मैंने यहाँ पर इसके लिए एक पंपी ली है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली थी कि ये सन्ना पर अच्छी लगेगी। फिर मैंने सोचा आज के दिन इसको पैक भी कर लेते हैं हम, तो मैंने इसको भी पैक करवा दिया था। और मैं कुछ चॉकलेट्स लेकर आई थी इसके लिए कि मैं छोटा सा बुकेट बनाऊँगी। फिर हम प्लानिंग करने लग गई कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। तो फिर हम लोग बुकेट बनाने में लग गए। फिर जब हमने बुकेट बनाया तो इतनी मेहनत लगी हर एक चीज़ को तब अरेंज करने में। फिर ये देखो जो मैंने कारस्तानी की ये अपने लिप्स छापे हैं ना, ये इन चीज़ों के लिए छापे थे। और एक और गिफ्ट है सन्ना के लिए जो कि बहुत 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 स्पेशल है, मुझे नहीं पता वो उसको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने अरेंज किया है। तो ये बुकेट बनाया, ठीक है। तो और जो मैं और एक और गिफ्ट कह रही हूँ ना, वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। सो फाइनली आज है 20 अक्टूबर, आज मेरी बहन की बर्थडे थी और 2 दिन बाद संजना की बर्थडे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, संजना के लिए मैं एक वाइट शर्ट लेकर आई थी और मैंने कुछ पैंट्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो पैंट्स अभी तक नहीं आए। मैंने 14 अक्टूबर से ऑर्डर किए हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सो फाइनली गाइस, जिस दिन का मुझे इंतज़ार था वो दिन आ चुका है, यानी कि कल 22 अक्टूबर है और संजना की बर्थडे है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो भाई हाँ, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाना आता, मुझे वॉइस ओवर नहीं करना आती, लेकिन मैंने संजना की खुशी के लिए ये सब कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी करती रहूँगी। और वैसे अगर कोई मुझे जज भी करे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ संजना के लिए किया है। तो ये अभी इनकम्प्लीट है और ये मेरे लिप की कुछ इस तरह वाली हालत हो चुकी है, और करनी है। सो गाइस, फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह का निकल कर आया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे नहीं पता था मेरी एफर्ट काम आएंगी, लाइक सीरियसली यार, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये है कि मेरा 5 अक्टूबर से 22 अक्टूबर का सफ़र कुछ इस तरह ही कर का था। और जब सन्ना की मतलब
बर्थडे की मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 22 अक्टूबर को मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा। और लेकिन ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सन्ना की बर्थडे में जाऊँगी। और हैप्पी बर्थडे संजना, आप हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराती रहो और तुम्हारा ये साल बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हो। और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें ये मेरे सारे तोहफे बहुत पसंद आएँ। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी दोस्त को बहुत सारा प्यार बरसाइएगा और अपना अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो एंड गाइस कमेंट में हमारे लिए एक छोटी सी दुआ कर दो कि हमारा साथ जिंदगी भर का रहे और हम लोग हमेशा इसी तरह खुश रहे। गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी लकी हूँ ना जो मुझे अनीशा जैसी दोस्त मिली। एंड गाइस आप लोगों को एक बात बताऊँ, हमारी फ्रेंडशिप स्टोरी किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। सो थैंक यू सो मच इस व्लॉग को देखने के लिए, हमें दुआओं में याद रखना एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।